तो मैं आपकी क्वेश्चंस लूंगी और उन क्वेश्चंस के मैं अपनी तरफ से सजेशंस दूंगी अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे. सो मैं जो कमेंट्स हैं वो नीचे मैं यहाँ पे पॉप करती जाऊंगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. श्रद्धा चौबे जी ने मेरे से पूछा, उन्होंने बोला है कि उनके जो बेबी है वो 1.5 साल की है और पैम्पर यूज करती है, वो गीला हो जाता है, रात भर नहीं चलता, कौन सा साइज यूज करूं मैं? एम साइज यूज करती हूँ उसके लिए, वो ऊपर से साइड से लीक हो जाता है. आप पैम्पर का कौन सा डायपर यूज करते हैं श्रद्धा जी? पहले तो ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि पैम्पर का जो प्रीमियम वाला डायपर है उसमें ये वाला प्रॉब्लम मेरे को मेरी डॉटर के साथ हुआ था. राइट नाउ आई एम यूजिंग पैम्पर का ड्राई पेंट, समटाइम्स आई ऑल्सो यूज डैडीज केयर डायपर. दोनों बहुत बहुत अच्छे डायपर है. जो लिंक है मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है. लेकिन अगर पैम्पर का प्रीमियम यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि, क्योंकि ये प्रॉब्लम उस वीडियो पे आप जाके देखेंगे जो मेरा फर्स्ट डायपर का रिव्यू का वीडियो था, उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि उनके बच्चे को भी ये लीकी का प्रॉब्लम हुआ था ये प्रीमियम वाले डायपर में. मेरी जो डॉटर है आइडियल साइज उसका भी मीडियम है, लेकिन मैं मेरी डॉटर को एक्सेल पहनाती हूँ. आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक्सेल तो डेफिनेटली लीक करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे अगेन रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ अपना ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइट कपड़े पहनाना बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. और जो एक्सेल होता है उसमें अच्छे से, उसमें काफ़ी इलास्टिक होती है. लेकिन अगर आप डैडीज केयर का यूज़ करें तो जो एल साइज़ है दैट इज़ टोटली परफेक्ट. तो मैं मेरी डॉटर को जो है वो डैडीज केयर का लार्ज साइज पहनाती हूँ, और अगर मैं पैम्पर में पहना रही हूँ तो मैं एक्सेल पहनाती हूँ. ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. उसको कोई लीकिंग का प्रॉब्लम नहीं होता. एंड अगेन मेरी डॉटर जो है वो रात को बहुत ज़्यादा सुसु नहीं जाती है, एंड वो थ्रू आउट द डे बिना डायपर के रहती है. तो ये तो रही मेरी डॉटर की बात. तो अगेन आप इस चीज़ से थोड़ा सा ले सकते हैं, अगर आप प्रीमियम यूज़ करें दैन डेफिनेटली यू कैन स्विच टू डैडीज केयर और पैम्पर्स का ड्राई पैन. तानिया नागपाल जी से मेरी काफी लेंथी कॉन्वर्सेशन हुई थी इस टॉपिक के ऊपर. उन्होंने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था जो कि था बेबी को बॉटल से दूध पीना कैसे सिखाएं. उन्होंने उसमें पूछा था, मैम मेरा बेटा जो है वो 5 मंथ्स का है, बॉटल सक नहीं करता, सिर्फ च्यू करता है, रोता है, बॉटल नहीं लेता है, स्पून से ही पी पाता है. तो मैंने उनको ये बोला था कि स्पून से अगर दूध पीता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को अगर बॉटल से दूध पीने की आदत हो जाती है तो बॉटल छुड़वाना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. उन्होंने कहा था, लेकिन काफ़ी हैसल रहती है, काफ़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चे को जब हम कटोरी चम्मच से दूध पिलाते हैं. आई टोटली अग्री दानिया जी, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ ये चीज़. लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके बच्चा अगर कटोरी चम्मच से ही दूध पीता है तो. लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे कटोरी चम्मच से पेट भर के दूध नहीं पी पाते हैं जितना वो बॉटल से दूध पी पाते हैं. तो आप इस केस में क्या करिए? पहली चीज़ जो मुझे लगा आपके कॉमेंट को देखे कि आपने अपने बच्चे को ऑलमोस्ट 5 महीने के आसपास बॉटल से दूध पिलाना स्टार्ट किया है, जो कि मेरे हिसाब से शायद आपको थोड़ा पहले कर देना चाहिए. जैसे कि मैंने मेरी डॉटर को 3 महीने के अराउंड से थोड़ा थोड़ा बॉटल से दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया था. बहुत थोड़ा पिलाती थी, बट मैं थोड़ा पिलाने की स्टार्ट करती थी. वो 3 महीने की थी तभी भी वो बिल्कुल नहीं पीती थी, उसका रोना वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता था. बट धीरे धीरे उसकी जो हैबिट है वो बिल्ड हो गई और अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो आप यही कीजिए कि सबसे पहले जो मैंने उस वीडियो में टिप्स बताए हैं आप उनको फॉलो कीजिए. मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, आप वेट कीजिए उस परफेक्ट टाइम, क्योंकि जब आपके बच्चों को काफी ज्यादा भूख लगी हो उस टाइम पे आप बच्चे को बॉटल से दूध पिलाने के लिए दीजिए तो बच्चा डेफिनेटली पिएगा. अगर आपके बच्चे को बॉटल का जो निप्पल है उसको सक करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन प्रोबेबिलिटी है कि जो आप बॉटल यूज कर रहे हैं उसका जो निप्पल है वो बच्चे को टाइट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, जिसकी वजह से उसको सक करने में प्रॉब्लम हो रही है. आप कोई ऐसी ब्रांड की बॉटल लीजिए जिसका निप्पल थोड़ा सॉफ्ट हो. रिकमेंडेशंस आर डॉक्टर ब्राउन और फिलिप्स. ये दो जो बॉटल्स हैं वो बहुत ही अच्छी है, इनके निप्पल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. आप इसलिए एक बार बॉटल को स्विच करके देख सकते हैं. और हो सकता है आप अपने बच्चे को जो फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हैं उस फॉर्मूला मिल्क का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा हो. जैसे कि मैंने मेरी डॉटर को जो स्टार्ट किया था नेस्ले स्टार्ट किया था, उसने ऑलमोस्ट 2 डब्बे जो है वो नेस्ले के बिल्कुल फेंक दिए, बिल्कुल नहीं उसने एक उसमें से थोड़ा भी दूध पिया. हर जो मैंने फॉर्मूला मिल्क मंगाया था वो था सिमिलैक का, और सिमिलैक का जब मैंने मंगाना स्टार्ट किया तब से उसने आराम से दूध पीना स्टार्ट कर दिया. सिमिलैक का जो टेस्ट है वो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है. मैंने और भी काफ़ी सारी मदर्स से इस बारे में बात की है. तो आप एक बार बॉटल का ब्रांड और अपने फॉर्मूला मिल्क का ब्रांड चेंज करके देखिए, डेफिनेटली बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा. एस जी ने मेरे से पूछा था, मैम आई एम वेरी, ये हालांकि बहुत पुराना कमेंट है बट मैं इसलिए ले रही हूँ जिससे कि आपको भी अगर इस तरीके के कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए. तो इनका कमेंट था, मैम आई एम वेरी टेंस्ड, मतलब इनकी जो बेबी है वो बेड से कई बार गिर चुकी है, कई बार उसको चोट लग चुकी है, इस बार उसके सर के पीछे की तरफ,
चोट आई है और बम्प भी आया है, और शी इज़ नॉर्मल, शी इज़ प्लेइंग लाइक एवरी डे, वो हर रोज़ की जैसे प्ले कर रही है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है. तो वो मुझसे पूछ रही है क्या मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँ, मेरी बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. तो एस जी, मैं पहले ये बोलना चाह रही हूँ कि आप पहले तो आपने बोला कि कई बार आपकी बेटी गिर चुकी थी, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप बच्चों को ज़्यादा देर बेड पर ना रखें, आप ज़मीन में गद्दा लगा लीजिए जब तक आपका बच्चा थोड़ा समझदार है, थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता. मैं भी यही करती थी, क्योंकि यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते, उसके बाद में सिर्फ मैं और मेरी डॉटर ही होते, तो मैं हर टाइम उसको मुझे देखना होता, तो मैं उसको कभी भी बेड पर नहीं छोड़ती थी. बेड के बाजू में मैंने ज़मीन पर गद्दा लगाया हुआ था, वहाँ पे मैं अपने डॉटर को छोड़ के अगर मुझे वॉशरूम जाना है, कुछ भी एक दो सेकंड का भी काम है, मैं कभी अपने बच्चे को बेड पे नहीं छोड़ती थी. तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए. दूसरा, अगर आपका बच्चा नॉर्मली प्ले कर रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बच्चे को आप आराम से थोड़ी देर बाद खाना खिलाइए, थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है. अगर आपको लगता है कि गद्दा वगैरह फीजिबल नहीं है, तो आप इस तरीके की बेड रेल्स परचेस कर सकते हैं, जो कि बेड्स के साइड में लग जाती हैं और बच्चों के गिरने के चांसेस नहीं होते. हालांकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं. अगर आपका बेबी को आप नीचे नहीं रख सकते और बच्चा बार बार ज़मीन पे गिर रहा है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर करके रखना पड़ेगा. तो या दैट इज़ माई सजेशन फॉर यू. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही. मैंने बहुत 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 सारे कॉमेंट्स ले लिए हैं और बहुत 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 सारे कॉमेंट्स रह गए हैं, बस ज़्यादातर जो कॉमेंट्स हैं वो इन्हीं से मैच करते हुए हैं, ज़्यादातर फीड को लेकर के, दूध नहीं पी रहा है बच्चा बॉटल से, या हेड बम्प को लेकर के, या फिर बोलेक्स को लेकर के, ज़्यादातर जो कॉमेंट्स हैं वो इसी टाइप के हैं. आई ट्राइड टू कवर ऑल ऑफ देम, बट स्टिल बहुत सारे कॉमेंट्स रह गए. सो आई एम रियली सॉरी. आप फिर से मुझसे कुछ कॉमेंट्स पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फटाफट से कवर कर सकूँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ. अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम, हमारे डाउट्स क्लियर हो गए. डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो डेफिनेटली ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा. कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुए वो भी आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूं, आपके डाउट्स क्लियर करती रहूं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे आपका एक फीडबैक मिल पाएगा कि हाँ, आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.